अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में तारीखी जीत तो कांग्रेस ने दर्ज की, लेकिन मामला अभी भी सुलझा नहीं है। आखिर कौन होगा वजीर आला का सवाल अभी भी जस का तस है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों भी कर्नाटक सियासत के ताकतवर और कद्दावर चेहरे हैं। अवाम पार्टी की विचारधारा को वोट करती है, पर जिस तरह का तमाशा देखा जा रहा है, क्या आवाम के जज्बात की कदर इन सियासी लीडरों को होती है? फिर चाहे सिद्धरामैया हो या डीके शिवकुमार हो, जिस तरह का सियासी तमाशा कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, एक तरह से भाजपा वालों के सामने मजाक बनता जा रहा है। और फिर इसी नाराजगी से अख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते हैं। फिर वही होता है जिसका डर आवाम को वोटिंग से पहले लगने लगता रहा है। आवाम किसी पार्टी की विचारधारा सोचो फिक्र को वोट करती है, तो पार्टी को बड़े ही संजीदगी से सोचने की जरूरत है। मतलब किस तरह ओहदे का नशा पार्टी के आला लीडरान में होता है, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तमाम के बीच मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस की जीत पर मुसलमान ही तो खुश हैं और कपड़े फाड़कर जश्न मना रहे हैं। आला कमान कब कैसे क्या फैसले लेती है, इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। पहले ही गोदी मीडिया मौके तलाशते रहती है और इस तरह का तमाशा एक तरह से खबरों की सुर्खियां बटोरने के लिए काफी रहता है। एक तरफ जहां पूरे मुल्क में कर्नाटक के नतीजों से उम्मीदें वाबिस्ता हैं, उम्मीद से देखा जा रहा है, अब आवाम भी धर्म की सियासत से भूख चुकी है, बदलाव की हवाएं चलते हुए देखने को मिल रहा है। कर्नाटक चुनाव ने एक तरह से विपक्ष को मजबूत करने का इशारा दिया है। सुबह शाम हिंदू मुस्लिम तमाशे से बाहर निकलकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, पर जिस तरह का तमाशा या कर्नाटक का नाटक जारी है, इस तरह से आवाम में एक तरह की मायूसी जरूर होने लगी है, क्योंकि सियासी लीडरों को आवाम के जज्बात को नजरअंदाज ही करने के बराबर कह सकते हैं। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां मोदी शाह योगी की तिकड़ी नफरत तानाशाही बुलडोजर तहजीब को आम करने की फिराक में बैठे हैं। तमाम सामदाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लोकशाही लोकतंत्र को तबाह करने के तमाम मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में महज वजीर आला कौन बनेगा, इस पर इस कदर अख्तलाफात आवाम को भी सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। फिर यहीं से ऑपरेशन कमल के रास्ते खुलने लगते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आला या नायब वजीर आला या फिर तमाम ऊंचे ओहदों पर तो वैसे भी मलाई तो हासिल होती ही रहती है। आखिर इन तमाम लीडरों के पास किस बात की कमी है? सियासी लीडरों के पास ही तो है करोड़ों की दौलत, आखिर और कितने हिरसिने हैं? जहां आवाम को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, लेकिन सियासी लीडरों के ठाट बाट छिपे हुए नहीं है। बहुत जमीनी सतह का सवाल है, और अख्तलाफात को यूं मंजरे आम पर लाकर कांग्रेस के आला कमान भी क्या हासिल कर रहे हैं? इस तरह के तमाशे पहली बार नहीं है, पर आज जब मुल्क मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है, कांग्रेस को खत्म करने की साजिशें चली जा रही है, लीडरों को भी कभी कभार बड़ा दिल कर लेना चाहिए। पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि किस तरह जीतने के बावजूद भी ऑपरेशन कमल को कांग्रेस ही के लोगों ने अंजाम दिया। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि नाराजगी कभी मुल्क रियासत या समाज के पस मंजर में नहीं रहती, बल्कि अपने जाती मुफाद हजारों करोड़ के मालिक होने के बावजूद और हजारों करोड़ के ख्वाहिश और हिरस ने अपना जमीर बेचने पर मजबूर कर देती है। इस्लाम में सियासत का बड़ा किरदार रहा है, और सियासत अहम जुज है। जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। वैसे इस्लाम ने ही तो सियासत इस दुनिया को सिखाया है। आज तक इस रूह जमीन पर हजरत उमर की तरह हुक्मरान पैदा नहीं हुए। अल्लाह का खौफ इन हुक्मरानों में कूट कूट कर भरा हुआ था। आज चमचमाती कारों के काफिले निकलते हैं तो आवाम को सड़कों पर तपती धूप में काफिला निकलने तक इंतजार करना पड़ता है। भले कितनी मजबूरी हो, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, किसी की मजबूरी को तक नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर उस हुक्मरान पर हजारों जाने कुर्बान। ऊंट पर गुलाम को बिठाकर खुद पैदल चलते आने वाला अमीरुल मोमिनीन आखिर आवाम की कैसे खिदमत को अंजाम देता रहा होगा? सैकड़ों वाकिए हैं, खुद भूखे रहकर आवाम के घरों में कोई भूखा तो नहीं, इसका जायजा रात में लिया जाता था, पर आज करोड़ों लाखों का लिबास पहनकर अपने आप को फकीर और कभी भी झोला उठाकर जाने की बात करने की कोशिश की जाती रही है, और लोग जुमलों पर भरोसा कर भी लेते हैं, और इन्हीं भरोसे के तहत लीडरों को चुन भी लेते हैं। खुद ठगने का एहसास बाद में हो जाता है। आज भी जो नज्म जब्त पुलिस कारपोरेशन सड़क पानी कुओं का निजाम शेर शाह सूरी ने भारत में कायम किया है। खैर, अब मुगलों ने क्या दिया कहना बहुत आसान है। इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अवामी जज्बात की कदर होनी चाहिए। अपने नफ्स ख्वाहिशात के लिए अवाम के जज्बात का सौदा न किया जाए। हालांकि इन तमाम मामलों को पहले से ही मंसूबाबंदी के तहत सुलझाना जरूरी था, क्योंकि ये मसला तो पहले से है। क्या आखिर वजीर आला सिद्धरामैया बनेगा या डीके शिवकुमार, ये कोई नया मसला तो नहीं था। अब जब अवाम ने पूरी अक्सरियत के साथ कांग्रेस को जिताया, खुद ही ओहदों के लिए लड़ने लगे, तो इन लीडरों पर फख्र करना चाहिए
या इन लीडरों पर शर्म करनी चाहिए, क्योंकि दोनों लीडर नामवर हैं, तजुर्बेकार हैं। और इन तमाम के दरमियान कपड़े फाड़ खुशी का इजहार करने वाले मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। इस बार 9 एमएलए मुसलमानों के चुने जा चुके हैं, क्या मुसलमानों को बड़ा ओहदा हासिल होगा? ये भी बहस का मौजू है। जब हमेशा से मुसलमान एक तरफा कांग्रेस को वोट करता आया है, तो इस बार नायब वजीर आला का ओहदा क्यों नहीं दिया जा सकता? खैर, सवाल अच्छा है, लेकिन मुसलमानों को पार्टी में क्या मुकाम हासिल है, ये भी अहम है। भारत में मुसलमान सिर्फ एक वोटर है और अक्सर कांग्रेस या दीगर सेक्युलर पार्टियों को ही वोट करता है। अब सेक्युलर पार्टियों को भी मालूम हो चुका है कि ये मुसलमान कहाँ जाएंगे, वोट तो हमें ही देना है। भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो कभी सेक्युलर कभी कम्युनल अपने सहूलत के हिसाब से होती रहती है। बेचारा मुसलमान ही एक ऐसा शहरी है जहाँ अभी उम्मीद नजर आती है वहाँ वोट कर देता है। इस बार तो बेलगाम साउथ में कुंडस्कर को भी वोट दे चुका है, मतलब किसी तरह का नजबुलायन इसके पास नहीं है। तभी तो सभी पार्टियों को मालूम है ये वोटर कहीं पर भी नहीं जा सकते। खैर, सिद्धरामैया डीके शिवकुमार का तमाशा जारी है। खरगे के भी पसीने इस बहस में छूटते नजर आ रहे हैं, जल्द मसला हल हो यही उम्मीद, क्योंकि अक्सरियत से जीत के बाद भी इस तरह का अख्तलाफ कहीं पार्टी की जीत को दूसरी तरफ ना मोड़ दे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मसला हमारे सामने ना आए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। सहारा फाउंडेशन की जानिब से हाल ही में सुन्नत इब्राहिम का मुफ्त कैंप खंजर गली उर्दू स्कूल में रखा गया था, जिसमें 200 के करीब बच्चों ने शिरकत फरमाई। अस्सलामुअलैकुम, आज सहारा फाउंडेशन की जानिब से फ्री खतना का कैंप रखा गया है खंजर गली उर्दू स्कूल में। और जैसा कि सहारा फाउंडेशन हर साल फ्री खतना का कैंप करता है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, ये कैंप रखने का हमारा असल मकसद ये है कि जो खतना का जो फीस जो महंगी हुई है, 3,000, 3,500, 2,500 जो भी फीस है, इस फीस के चलते बहुत सारे बच्चों की खतना नहीं हुई है। और ये देखने में भी आ रहा, पिछले साल भी 14 साल के बच्चे की यहाँ पर खतना हुई थी, इस साल भी 12 साल 13 साल के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और अब तक 150 से ज़्यादा बच्चों की खतना हो चुकी है। और इंशाल्लाह शाम तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और शाम तक इंशाल्लाह 200 बच्चों तक हम टारगेट को अचीव करने वाले हैं। और सहारा फाउंडेशन की जानिब से हर साल ये कैंप किया जाएगा। इस साल जितने भी हमारे बेलगाम सिटी के अतराफ के जितने भी गाँव हैं, जितने भी शहर हैं, वो तमाम जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अतनी हो गया, पहलुंगल है, चिकोड़ी है, बुकेरी है, खानापुर, तमाम जगह पर हम लोगों ने दावत चलाई थी और वहाँ से बच्चे भी आज आए हुए हैं। तो जिन लोगों को अगली बार इस बार जिसका खतना नहीं हो पाई, तो वो अगली बार हमारे कैंप में अगले साल आकर भी खतना कैंप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ सहारा फाउंडेशन की जानिब से एक चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी, खून पेशाब टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे और अगले साल सोनोग्राफी। ये डायग्नोस्टिक सेंटर खड़े बाजार शनिवार के पास बनाया जा रहा है, जिसमें आम आवाम को 50% और मुस्तहिक लोगों का फ्री डायग्नोस किया जाएगा। आवाम से हमारी यही गुजारिश है कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर अपना चैरिटी करें, अपना ताउन करें, ताकि हम इसको जल्द से जल्द पूरा कर सकें, जल्द से जल्द बना सकें। 10वीं के इम्तिहान के बाद बेंगलोर जाने की जिद को वालिद ने रद्द कर दिया, तो घर से ही लापता होने का फैसला लिया और ये वारदात बेलगाम में पेश आई। मधुसूदन राठौड़ नाम है इस बच्चे का, वालिदैन परेशान है और इंतजार भी करे, लिहाजा जहां कहीं नजर आए तो इस नंबर पर राबता करें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।